मेहर, पूछिए आप को जो भी पूछना है। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। मैं ठीक हूं। शबरेज कौन है, उसकी आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, होटल में उसने इतनी बदतमीजी क्यों की, इस सब बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता और ना ही ये चाहता हूं कि आप मुझे कोई सफाई दें। मैं बस ये जानना चाहता हूं मेहर कि इस शादी में आपकी मर्जी शामिल है या नहीं, और ये कि आप ये शादी किसी दबाव में आके तो नहीं कर रही। मेहर मेरी बेटी है, मैं बाप हूं इसका, मैं जहां चाहूं इसकी शादी करूं, तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? फहा तुमसे बहुत अच्छा लड़का है, उसके माँ बाप मेहर को इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारी तरह गलियों में सड़कों पे तमाशा नहीं बना रहे। मेहर जवाब दे, क्या आप मुझसे ये शादी करना चाहती हैं? जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस शादी से इनकार कर रही हो, तुमने इनकार क्यों नहीं किया अब तक? क्यों हर जगह मेरा तमाशा बनाने के लिए पहुंच जाते हो? हाँ, मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं बर्दाश्त करूंगा कि तुम किसी और से मिलो, किसी और से शादी करो? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा भी कहां है मेरे लिए? अगर घर वाले चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं तो मैं यही करूंगी। तो मैं भी तो तैयार हूं शादी के लिए, मुझसे क्यों नहीं करती हो? मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज लिसन टू मी, मैं कल अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज रहा हूं। पापा नहीं मानेंगे। तुम इनकार नहीं कर सकती हो, बाबा तुम्हारे नहीं मानेंगे, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही तो है, फिर मैं क्या करूं? जो हो गया है उसे कबूल कर लो। फहद से शादी कर रही हूं, हाँ करती है उसको, भी मुझे भूल जा। इम्पॉसिबल है ये, ना मैं खुद भूलूंगा और ना तुम्हें कभी भूलने दूंगा। शादी करनी है ना तुम्हें, तुम करो तैयारी, मैं देखता हूं तुम कैसे शादी करती हो। दुल्हन बनी इंतजार करती रहोगी, तुम्हारी बारात नहीं आने दूंगा मैं, बारात नहीं आने दूंगा मैं तुम्हारी।